वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सचिन तेंदुलकर से वापस लिया जाए भारत रत्न। जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सचिन तेंदुलकर से देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वापस लेने की मांग की गई है। इस याचिका को मंजूर करते हुए प्रारंभिक सुनवाई के बाद असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को ऐसे मामलों में गाइडलाइन बताने को कहा गया। खंडपीठ ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी मामले में कोई आदेश जारी किए हैं? मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी। भोपाल के वीके नसावा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भारत रत्न अवार्ड प्राप्त करने के बाद भी सचिन बड़ी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन कर उनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं। इसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की गरिमा और प्रतिष्ठा धूमिल होती है। याचिका में कहा गया है कि सचिन को खेल के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है, लेकिन वे विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। अमिताभ और अभिषेक के खिलाफ तिरंगे के अपमान का मामला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की स्थानीय अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गैर सरकारी संगठन मित्र से जुड़े शिकायतकर्ता चेतन धीमन ने आरोप लगाया है कि अमिताभ ने 15 फरवरी को क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाते हुए अपने जुहू स्थित आवास में तिरंगे को अपनी पीठ और कंधों पर लपेट लिया तथा दर्शकों का अभिवादन किया। इससे पहले 2 अप्रैल 2011 को एक अन्य विश्व कप में भारत की जीत के बाद अभिषेक बच्चन ने भी अपने आवास में तिरंगे को अपने शरीर पर लपेट कर फैंस का अभिवादन किया था। गाजियाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र सिंह ने शिकायतकर्ता की ओर से पेश दलीलें सुनकर आदेश पारित किया और शिकायतकर्ता को 13 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। बांग्लादेश से 79 रन से हारा भारत। बांग्लादेश ने भारत को पहले वनडे में 79 रन से हरा दिया। बारिश से बाधित इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.4 ओवर में 307 रन बनाए। टीम इंडिया 228 रनों पर सिमट गई। अपना पहला वनडे खेल रहे बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिकुर रहमान ने 5 विकेट चटकाए। बांग्लादेश ने इस मैच में जीत के साथ श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। रहमान ताकसिन अहमद के बाद पदार्पण मैच में 5 विकेट लेने वाले दूसरे बांग्लादेशी गेंदबाज बने।